जब भी सूर्य 12वें घर में जाता है तो वो ऐसे लोगों को जन्म देता है जो एक कम्युनिटी के होके भी उस कम्युनिटी के नहीं होते। उनके अंदर जरूर कुछ फॉरेन एलिमेंट होता है। अब ऐसे नहीं कि वो फॉरेन से आए हुए हैं, जैसे मान लीजिए अभी देहरादून में है। अब देहरादून में अगर कोई 6 साढ़े 6 फुट लंबा एकदम पेल लाइक अ घोस्ट अगर कोई फॉरेनर आएगा तो वो दूसरों से अलग लगेगा, राइट? क्योंकि वो है ही दूसरों से अलग। बट दैट्स नॉट द केस। कि आप हो उसी कम्युनिटी के पर आपके अंदर कुछ है जो कि बस फॉरेन है, जो कि उस कम्युनिटी का, उस नेटिविटी का, उस एथनिसिटी का नहीं है। सो सूर्य 12वें भाव में आकर ऐसा जो एक डिफरेंस है अपने ही लोगों से वो जरूर क्रिएट कर देता है, कई बार सोच में और कई बार लुक्स में भी, कई बार रियलिटी में और कई बार इमेजिनेशन में भी। तो ये क्या है और कैसे काम करता है वो सारी बात जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के 12वें घर में होने से आपकी कुंडली पर क्या असर पड़ता है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके वीडियोस को अपनों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब के ही साथ में एक ज्वाइन बटन बना आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के साथ ही आप चैनल के मेंबर बन जाते हैं फॉर द प्राइस ऑफ हाफ अ लीटर ऑफ पेट्रोल। ये करने के बाद आप लोगों को सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलते हैं, हर महीने एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिलती हैं और उसके साथ साथ ही एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। सो इफ यू वांट ऑल दैट, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल। चलिए अब सूर्य के 12वें घर में होने की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो जाने कि 12वां घर होता क्या है। 12वां घर नैसर्गिक रूप से मीन राशि का घर होता है। मीन राशि का घर होने के कारण इसको जो कंट्रोल करते हैं वो होते हैं जुपिटर यानी कि गुरु। सूर्य और गुरु आपस में मित्र होते हैं, इसीलिए अपने दोस्त गुरु की राशि में आने पर सूर्य को एज सच कोई तकलीफ नहीं होती है। इवन दो ये एक वाटर साइन है, उसके बावजूद भी सूर्य यहाँ पर रिलेटिवली कंफर्टेबल रहते हैं स्थूल रूप से। हालांकि अगर हम 12वें घर को देखें और गहराई से देखें तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन केतु के साथ भी होता है। केतु जो पूरी तरीके से डिटैच्ड होता है, जो चीजों से अलग होता है, उसे मोक्ष कारक भी कहते हैं। 12वें घर के और बहुत सारी चीजें होती हैं जो सन के साथ नेचुरली नहीं जुड़ती हैं। फॉर इंस्टेंस 12वां घर दिखाता है इस हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उससे बाहर की चीजों को, मेटाफिजिकल चीजों को, कई बार सुपरनेचुरल या पैरानॉर्मल चीजों को भी 12वां घर दिखा देता है। इसके साथ साथ ही भगवान के साथ जुड़ाव, पितरों के साथ जुड़ाव, दूसरी ऐसी फोर्सेस या एनर्जीज के साथ जुड़ाव, उनको भी 12वां घर अच्छे से दिखाता है। फाइनली 12वां घर आप इस दुनिया से या जहां आप रहते हैं उससे बाहर की कितनी चीजों के साथ कनेक्टेड है उनको भी दिखाता है। और यहीं पर आकर कॉम्प्लेक्सिटीज शुरू होना बढ़ना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो तो ईगो की बात करता है कि मेरा ईगो, मेरा अहम, और जो 12वां घर है वो अहम के बाहर की चीजों की बात कर रहा है, इनफैक्ट ऐसी चीजों का जिनका अहम से कोई लेना देना ही नहीं है। और यहीं पर इन दोनों के बीच में एक छोटी सी वॉर छिड़ जाती है। स्थूल रूप से अगर हम देखें, बहुत सामान्य रूप से अगर हम देखें, तो किसी का सूर्य अगर 12वें घर में हो तो इन लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके थ्रू ये अपने आप को दूसरों से अलग दिखा देते हैं। 11वें घर में क्या है कि वो इतने ब्रिलियंट हैं या इतने इंडिविजुअलिस्टिक हैं या इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आपकी नजर स्वतः ही उन पर चली जाएगी। लेकिन जब 12वें घर में सूर्य आता है तो आप दिखाना चाहते भी हो, आपको अच्छा भी लगता है दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। कई बार आप मान लीजिए आप हिमाचल में रहते हैं लेकिन एक्सेंट आपका पूरा ब्रिटिश है। क्यों? क्योंकि यू लाइक द ब्रिटिश कल्चर, यू लाइक द ब्रिटिश एक्सेंट। तो आपके बाकी सारे दोस्त इंग्लिश या तो बोल ही नहीं रहे हैं या बोल रहे हैं तो अपने वही हिमाचली एक्सेंट में, लेकिन आपको बोलना है ब्रिटिश एक्सेंट में। तो इससे आपने क्या क्रिएट किया, आपने एक फॉरेन चीज को पिक किया, ब्रिटिश एक्सेंट, और उसके थ्रू आपका जो नेटिविटी है, जो आप जहां पर रहते हो, जो आपका नेटिव कल्चर है, वहां पर आपने अपने आप को दूसरों से अलग दिखा दिया, दैट आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं, विच इज नॉट रॉन्ग, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट लोग ऐसे करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को अलग अलग सब कल्चर्स के साथ जोड़कर देखते हैं, तो वो सब कल्चर्स भी क्यों होते हैं, बिकॉज आप जो रेगुलर है आप उससे अलग हटकर दिखना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है।
कई बार तो ये होता है कि आपके फेशियल फीचर्स ही ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप जिस एथनिसिटी को बिलोंग करते हो उससे अलग लगो, या कहीं ना कहीं अगर आप कहीं दूसरे देश में चले जाओ तो वो आपको उस देश का समझ ले। फॉर इंस्टेंस अगर आप बाहर चले जाएं इंडिया के, तो आप इंडियंस पाकिस्तानीज और बांग्लादेश के बीच में ऐसा फर्क नहीं कर पाएंगे। कई जगह के लोग आपको सेम सेम लगेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, आप इंडियन को बांग्लादेशी समझ सकते हो, पाकिस्तानी को बांग्लादेशी समझ सकते हो, इंडियन को पाकिस्तानी समझ सकते हो, ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो अगर यू नो अरब्स हैं, दे कम टू इंडिया, उनके फीचर्स बड़े सिमिलर होते हैं हमारे साथ, तो कई बार यू नो ऐसा लगता है कि हाँ वी आर द सेम पीपल। तो ऐसे लोग जिनकी एथनिसिटी ऐसी होती है या यू नो उनके फेशियल फीचर्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा एथनिसिटीज जो है उसकी उसके लिए पहचान लिए जाए। बहुत सारे मैक्सिकन्स, बहुत सारे इंडियंस सिमिलर फेशियल फीचर्स रखते हैं, तो अगर कोई इंडियन है एंड मान लीजिए स्पेशली कोई इंडियन लड़का है एंड ही इज वेरी फैसिनेटेड विद मैक्सिकन कल्चर, और वो क्या मैक्सिकन जो हैट होता है और एक वो उनका पॉन्चो जैसा वो यूज करते हैं वो पहन के अगर वो बैठ जाए तो वो मैक्सिकन लगेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यू आर पिकिंग अप समथिंग फॉरेन एंड आप उसको फिर अपने में इन्वॉल्व कर रहे हो, अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। या तो ये नेचुरली हो रहा है क्योंकि आपके फेशियल फीचर्स हैं, बहुत सारे मैक्सिकन्स और इंडियंस के सेम सेम होता है, पता भी नहीं चलता कि हुज हु, बहुत सारे ब्राजीलियंस और इंडियंस के फेशियल फीचर आपको बहुत सेम लगेंगे। सो दैट्स हाउ यू नो इट हैपेंस। तो या तो नेचुरली भगवान ने आपकी शक्ल में ही ऐसा कुछ किया हुआ है जिससे आप थोड़े से अलग दिखते हो अपने जो नेचुरल आपका जो नेटिव है लोग उनसे, या फिर आप कोशिश करते हो दैट यू लुक अ बिट डिफरेंट। दोनों ही चीजें पॉसिबल है और दोनों ही चीजों में आपको मजा आता है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं इतना अलग क्यों हूं दूसरों से, नो यू लाइक इट। कई बार ऐसा भी होता है दैट यू आर नॉट रियली डिफरेंट बट आप इमेजिन जरूर करना चाहते हो एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रांग यू नो थिंकिंग एंड इमेजिनेशन कि यू आर समथिंग डिफरेंट। जैसे कि अ लिटिल वाइल अगो आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड स्टार सीड्स और स्टार किड समथिंग लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सो ये लोग अपने इंस्टाग्राम बायोज में या हर जगह लिखेंगे दैट आई एम अ स्टार किड, आई एम अ समथिंग लाइक दैट, आई एम अ स्टार सीड समथिंग लाइक दैट। सो इन द रियल वर्ल्ड जैसे अब हम लोग हैं, बहुत सारे ह्यूमन्स हैं, यू नो ह्यूमन्स में रेसेस हो सकती हैं बट ह्यूमन्स में ये स्टार सीड है या ये ऐसा कुछ तो नहीं होता, राइट? सो जो हमारी जो रियलिटी है एज ह्यूमन्स उसमें हम इन चीजों को इंक्लूड नहीं करते। सो अगर वो अपने आप को स्टार सीड कह रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। सो अगर वो अपने आप को स्टार सीड कह रहे हैं तो किसी रेगुलर इंसान के लिए इट इज एन इमेजिनरी आइडेंटिटी कि स्टार सीड माने क्या, उनको नहीं समझ में आता। बिकॉज उनको ये समझ में आता है कि ये बंदा हिमाचल का है, ये उत्तराखंड का है, ये तमिलनाडु का है, ये कर्नाटका का है, तो दे अंडरस्टैंड दैट। बट उनको ये नहीं समझ में आता कि तू स्टार सीड है और तू अलाना सीड है या तू कहीं यू नो फॉरेन जगह से आया हुआ है, फॉरेन गैलेक्सी से आया हुआ है और यू आर टेकिंग योर पावर्स फ्रॉम देयर एंड ऑल दैट, तो उनको ये नहीं समझ में आता। सो ये जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, कई बार ये रियल होता है दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग लाइक समथिंग डिफरेंट, या आपने अडॉप्ट किया है, और कई बार यू क्रिएट अ पर्सोना फॉर योर सेल्फ, एक ऐसा पर्सोना जो बहुत फैंटास्टिक है, फैंटास्टिकल है, जो कि बहुत हाई लॉफ्टी आइडियाज से आता है। जैसे यू से ना वी आर ऑल स्टार सीड्स, की ऑफकोर्स हम लोग जो लिविंग क्रीचर्स हैं और जो अर्थ है, जो पूरा यूनिवर्स है, ये सेम चीजों से बना है, पर इस आइडिया को रोमांटिसाइज करना दैट यू आर मेड ऑफ द सेम मटीरियल एज स्टार्स, नथिंग रॉन्ग विद दैट आइडिया, बट इट इज ए रोमांटिक आइडिया, ये बहुत रोमांटिसाइज वर्जन है ऑफ हू वी आर, कार्बन बेस्ड लाइफ, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये आपको 12वें घर के सूर्य के साथ देखने को बहुत मिलती हैं। आइडेंटिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल बॉर्न विद सन इन द 12th हाउस, ये कौन है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। और किसी भी प्रकार से ये अपने आप को रेगुलर नहीं दिखाना चाहते। तो अगर मान लीजिए इफ देयर इज एन इंडियन पर्सन और उसकी आंखें नीली हैं और चेहरे का जो कलर है वो भी बहुत पेल है, तो उसको बड़ा मजा आएगा इन यू नो बिलीविंग दैट ही इज एक्चुअली अ यूरोपियन। नथिंग रॉन्ग विद इट, बहुत हार्मलेस है, इट्स नॉट हार्मफुल होपफुली, बट ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सूर्य के 12वें घर में जाने से जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है और जो हमारा भौतिक जीवन है,
इसके बीच में रस्साकशी जरूर शुरू हो जाती है। कैसे? 12वां घर जो है वो भौतिक अचीवमेंट्स के लिए अच्छा घर नहीं है, ओके? हाँ, लेकिन आध्यात्मिक चीजों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप केप्रिकॉर्न राशि के जैसे बात कर रहे हो, जो भौतिक स्तर से इट्स अ वेरी अचीवमेंट ओरिएंटेड राशि, वैसे लोग बहुत बोलते हैं कि अरे मकर राशि है, सब बर्बाद है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको मटेरियली हाईएस्ट अचीवमेंट चाहिए तो आपको मकर राशि चाहिए। इट्स अ वेरी गुड राशि फॉर पीपल जो कि मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और स्मार्ट वर्क करके पैसा कमा सकते हैं, सुख सुविधाएं जोड़ सकते हैं, उनके लिए मकर राशि बहुत अच्छा काम करती है, बट मोर अबाउट इट लेटर। तो जो पाइसिस का जो स्पेस होता है, वो जो स्पेस होता है वो आध्यात्मिक स्पेस होता है, उसका दुनिया से भौतिक चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। आप इंडिया के हो, आप यूएस के हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। इट्स अबाउट समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वहां पर पैसा लगता ये चीजें मैटर नहीं करती। वहां पर तो आप आध्यात्मिक रूप से क्या हो वो मैटर करता है, आध्यात्मिक रूप से आपका दिमाग कितना खुला हुआ है वो मैटर करता है, आपने हाथ में कितनी अंगूठियां पहनी हुई वो मैटर बिल्कुल नहीं करता। ऐसे में जिस व्यक्ति का सूर्य 12वें घर में है, अगर वो इन चीजों में अटका हुआ है कि शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, वर्मा जी की बेटी क्या कर रही है, उसके कितने नंबर आए, मेरे कितने नहीं आए, उसकी सरकारी नौकरी लगी मेरी नहीं लगी, एंड ऑल दैट, बहुत परेशानी हो जाती है। बिकॉज जो आपका भौतिक अचीवमेंट है वो आपका माइंडसेट नहीं है। आपका जो माइंडसेट है या जहां आपका मन लगता है वो थोड़ा एस्केपिस्ट है, दुनिया से थोड़ा भागना है, दुनिया से आगे निकलना है, उस माइंडसेट में मन ज्यादा रमा हुआ होता है। तो कंसिस्टेंटली अगर आप अपने सूर्य जिसके 12वें घर में है ऐसे बच्चे को बोले कि नंबर ला, नंबर ला, नंबर ला, ये बच्चा दूसरे बच्चों की तुलना में ज्यादा परेशान होगा। जिसका सूर्य 10वें घर में है, 5वें घर में है, पहले घर में है, वो बच्चा सोचेगा कि हाँ यार उसके नंबर आए, मेरे भी आने चाहिए, मैं भी यू नो आई गेट वट एवर आई वॉन्ट। लेकिन जिसका सूर्य 12वें घर में है, आप उसके पीछे पड़ोगे कि जा बेटा नंबर लेके आ, जा बेटा नंबर लेके आ, छोड़े किताबें, छोड़े अपनी स्टोरी बुक्स, तू जा पढ़ाई कर और 90% ही लाना है, और 90% भी आजकल बहुत कम हो गया है, 95-98 ही लाना है। तो ये बच्चा तकलीफ में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ये नेचर ही नहीं है। ठीक वैसे अगर अडल्ट है, अगर आप कहें कि सुनो जी उनके घर में तो वो वाली कार है, हमारे घर में ये वाली कार नहीं है, ऐसा कैसे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, नॉल दैट, बिग प्रॉब्लम, बिकॉज उनका माइंडसेट ही नहीं है ऐसा। तो ये जो भौतिक और जो आध्यात्मिक है ये आपस में रस्साकशी खींचतान करते रहते हैं। तो ऐसे में इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है? देखिए, ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम भौतिक जो अचीवमेंट्स है उनके पीछे भागना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, ऐसा है क्या? नहीं। उनका जो गोल है, प्राइमरी गोल है, वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे टॉप पे आना है, मुझे कॉम्पिटिशन करना है। नहीं, उनका ये गोल होना चाहिए कि मैं सर्वप्रथम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करूंगा। आध्यात्मिक रूप से मजबूत करूंगा मतलब अब ये भी नहीं होता कि मैंने किसी बाबा जी के जाकर चरण पकड़ लिए है ना, और उन्हीं की फोटो लगा के उनके धूपबत्ती किए जा रहा हूं, ये सब नहीं। आध्यात्मिक का मतलब है ट्रू आध्यात्मिक, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ डिस्कवरी इन अ वे। तो जितना आप अपने आप को जानोगे, जितना आप अपने आप को समझोगे, जितना आप ईश्वर या किसी और ईश्वरीय शक्ति पे ध्यान लगाओगे, उनके साथ कनेक्ट होंगे, और अगर कुछ नहीं है अपने पितरों की तरफ अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपका जो मटेरियल लाइफ है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग मटेरियल लाइफ की तरफ फोकस करोगे, नंबर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर आपका जो मटेरियल है वो तो वैसे भी नहीं होने वाला, और जो स्पिरिचुअल है वो भी डेवलप नहीं होगा। तो दोनों तरफ से आपके लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। सो कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि डेवलप योर सेल्फ स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत कीजिए, आध्यात्मिक रूप से अपने चरित्र का आप लोग निर्माण कीजिए, और जब चरित्र का आपका निर्माण हो जाता है तब फिर आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में भटकते नहीं रहते हैं। मेरा सजेशन आप लोग लीजिए कि अगर आपका सूर्य 12वें घर में है तो आप स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़िए, एंड उनकी जो बुक्स हैं या उनका जो भी कहीं से भी आपको एक्सट्रैक्ट्स पढ़ने को मिले उनके लिखे हुए या बोले हुए, उस पर जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप अपने आप में मजबूत होते हो तो ये जो बाहरी लेबल्स होते हैं ना आइडेंटिटी के, आपके लिए चीजें मैटर नहीं करती। और सूर्य 12वें घर में यही दिखाता है, एंड व्हाई शुड इट मैटर? व्हाट मैटर्स इज हु यू आर, नॉट द लेबल्स यू हैव, राइट? तो मैं यहां का हूं, मैं ये लैंग्वेज बोलता हूं, मैं लगता तो उत्तराखंडी हूं पर मेरा जो फेस फीचर है वो तो पूरा यू नो यूरोपियंस वाला है, सो आई माइट बी समथिंग स्पेशल। इट्स वेरी सुपरफिशियल, है ना, हार्मलेस है,
किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, बट इट इज सुपरफिशियल. व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप अंदर से हो क्या, आपका चरित्र कितना स्ट्रांग है, अंदर से आप कितने मजबूत हो. जब वो मजबूती रहेगी तो आप यूरोपियन दिखो, आप चाइनीज लगो, आप कोरियन लगो, आप अमेरिकन लगो, कनेडियन लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता. नोबडी केयर्स, इवन यू डोंट, राइट? सो प्लीज मेक योरसेल्फ स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में नोट करेंगे कि भौतिक अचीवमेंट्स के लिए, बिकॉज जीना है, पढ़ना है, कमाना है, ये तो करना ही पड़ेगा, राइट? तो जो भौतिक अचीवमेंट्स हैं उसके लिए आपका माइंडसेट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है. सो इट रियली वर्क्स. थर्ड थिंग, इंट्रोवर्जन. आप लोग चाहे कितने भी लोगों से बात करते हो, कितना भी बड़ा आपका सोशल सर्कल हो, आपको हमेशा कुछ समय अकेला चाहिए. जो आपकी रेगुलर सराउंडिंग्स हैं, कुछ समय के लिए आपको उससे दूर जाना ही है, वरना आपका मन नहीं लग पाता, आपको चैन नहीं पड़ता. सो किसी ना किसी तरीके से आपको वहां से भागना है, एस्केप करना ही है. तो हो सकता है कि आप इस वीकेंड आप शादी ब्याह में गए थे, सैटरडे संडे आपने वहां बिताए, लेकिन आपको मंडे चाहिए, सबसे अलग चाहिए ना. आपको काम करना है जो कि रेगुलर है आपके लिए, और लोगों से बात करके आप इतना थक चुके हो कि आपको एक दिन बस अपने साथ चाहिए टू जस्ट काम डाउन एंड माइंड डाउन. तो ये बहुत होता है. तो अकेलापन या अकेले एकांकी जो समय होता है, दैट्स इट्स वेरी क्रूशियल एसेंशियल फॉर यू. आपको ये चाहिए. और अगर ये करते हुए अपनी रेगुलर जिंदगी से दूर जा सकते हो तो बहुत अच्छा. जैसे कि रेगुलरली आपका रूटीन है सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाना, फिर शाम को 7 बजे वापस लौटना, खाना बनाना, खाना, सो जाना, टीवी देखना एंड ऑल दैट, ये सब आप कर सकते हो, ये रेगुलर है. बट यू फ्रीक्वेंटली नीड टू गेट आउट. तो वीकेंड पे आपको बाहर निकलना ही निकलना है, आपको गेट अवे पे जाना ही जाना है, आपको चैन नहीं पड़ता जब तक आप बाहर निकल के अपना रूटीन ब्रेक नहीं करते हो. सो दैट्स वेरी क्रूशियल फॉर यू. या फिर मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो आपको किसी फॉरेन कल्चर के बारे में सीखना है, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी करना है जो आपके रेगुलर रूटीन, आपके आसपास के रेगुलर लोगों से अलग हो, यू हैव टू डू दैट. तो ये आप लोगों के लिए एक नॉन नेगोशिएबल होता है. इसमें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को हीरो समझने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बस एक बेसिक नीड है. सो फुलफिल दैट बेसिक नीड, राइट? अपनी इसी टेंडेंसी की वजह से वीकेंड गेटअवेज हो गए, होम स्टेज में रहना हो गया, या B&Bs में रहना हो गया, ये सब चीजें, या फिर आश्रम में चला जाना, ये सब चीजें आपके लिए जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है. कैंपिंग, हाइकिंग भी आपको बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज कुछ समय के लिए ही सही वो आपको आपके रूटीन से और जो आपकी रेगुलर जिंदगी है उससे काट देता है, एंड यू लव इट. चौथी चीज, ये लोग दूसरों से रिकॉग्निशन चाहते हैं. ये चाहते हैं कि दूसरे इनकी तरफ देखे, दूसरे इन्हें माने. अब अगर वो नहीं मानते तो उनको तकलीफ होती है. तो इसीलिए मैंने कहा कि मटेरियल लाइफ पर, भौतिक जीवन पर जरूरत से ज्यादा फोकस जो है वो आपको बहुत तंग कर सकता है. क्यों? सूर्य तो आखिर सूर्य है, सभी प्लैनेट्स का राजा है. अब जो राजा है उसको तो टेंशन मिलती है, लेकिन 12वां घर क्या होता है? 12वें घर में एक आवरण लगा हुआ होता है. तो 12वें घर की जो चीज होती है वो ढकी हुई होती है, छुपी हुई होती है, वो प्रत्यक्ष नहीं होती. अब ऐसे में अगर आपका सूर्य जो है, जो आपकी लाइट है, आपकी रोशनी है, वो ऐसी जगह चली गई जो प्रत्यक्ष ही नहीं है, जो इतनी दूर है कि उसे एक्सेस कर पाना इज नॉट ईजी, तो ऐसे में आप अलग अलग चीजों के साथ कनेक्ट करके अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते रहते हो बार बार. और ये इसीलिए होता है बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर वैलिडेशन. आप चाहते हो कि लोग आपको रिकग्नाइज करें, वैलिडेट करें. जैसे कि शादी ब्याहों में फूफा जी होते हैं या मौसा जी होते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम रहती है, जीजा जी एंड ऑल दैट, कि हमसे पूछा ही नहीं, हमसे कुछ कहा ही नहीं, अरे हमसे कहते हैं, हम करते हैं आपके लिए. तो हो सकता है कि आप खुद या फिर आपके पिताजी, उन दोनों में से किसी एक का नेचर ऐसा हो कि मुझे पता है क्या करना है, मुझे अंदर से फील हो रहा था कि ये होना चाहिए, बट लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, कोई मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं बता नहीं सका, आप देखो नुकसान हो गया. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और जिनका सूर्य 12वें घर में हो, वो ऐसी टेंडेंसीज उनके अंदर थोड़ी ज्यादा होती हैं. नाउ अगर उन्हें कुछ पता होता है तो आगे बढ़ के बोलते क्यों नहीं, या जब कुछ हो रहा होता है तब क्यों नहीं बोलते, बाद में वेट क्यों करती है कि मुझे तो पहले से पता था. क्योंकि 12वां घर नेचुरली पैसिव होता है, इट्स नॉट एन एक्टिव हाउस, है ना, इट्स नॉट एन एक्टिव पेनिट्रेटिव हाउस. अब क्योंकि ये नेचुरली पैसिव होता है, और उसमें जो पाइसिस राशि है नेचुरल, उसकी जो ओनर है वो भी पैसिव है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको मालूम भी है तो भी आप 100% अपनी बात को सामने से कह नहीं पाते हो, या सही समय पर वो बात नहीं कह पाते हो. और क्योंकि नहीं कह पाते हो, इसीलिए फिर क्या होता है, यू आर लाइक, हाँ मुझे तो मालूम था, काश कोई मेरे पास आके मुझसे पूछ लेता कि इस लड़के से शादी करवानी है या नहीं करे, हम बताते कि इसका तो फलाना ऐसा बैकग्राउंड है, तब बोलते हम,
लेकिन अगर वाकई में उनसे कोई पूछना है आगे देर लगे, नहीं नहीं ठीक है करा लो आप देख लो जो आपको ठीक लगे, बाकी अपना देख लो टाइप्स। सो दैट्स देयर। तो ये वैलिडेशन सीकिंग जो होती है, रिकग्निशन के लिए जो आप चाहते हो, अटेंशन जो आप चाहते हो, अक्सर उस अटेंशन में प्रॉब्लम होती है और आपका जो अहम है वो वहीं पर हर्ट होता है। सूर्य अपने आप को अजर्ट करना चाहता है, राइट? सूर्य चाहता है कि लोग उसको देखें। ऐसे में अगर अगेन कोई पावरफुल राशि है सूर्य की, जैसे मेष राशि है या सिंह राशि है, इन दैट केस यू वॉन्ट कि लोग देखें आपको, आप चाहते हो कि आप पर नजर पड़े, आप चाहते हो कि लोग आपको देखकर आपके बारे में बात करें, आपसे पूछे, आपकी पूछ हो, दैट्स देयर, बट हाउ विल इट हैपन? ऐसा होगा कैसे? तो कई बार इसीलिए हम लोग अपने आप को सुपरफिशियल चीजों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है ना, कि कोई फॉरेन चीज है, सुपरफिशियल चीज है, ऐसा है, मैं तो अलग हूं, मैं तो यूनिक हुआ, मैं यूनिक स्नोफ्लिक, तो ऐसा हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है, हार्मलेस हो सकता है, बट इससे आपको नुकसान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोई जो उसकी फाउंडेशन है उस लेबल से खुद को अलग करने की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। और इसीलिए अगेन मैंने कहा, जितना आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर ध्यान दोगे उतना ही मटेरियली जिंदगी आपके लिए बेहतर होगी। क्योंकि पहली बात, जब आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, आपके लिए लेबल्स मैटर नहीं करेंगे, लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं, वो मैटर नहीं करते, और अपने अंदर एक श्योरिटी बढ़ जाती है। और इसीलिए एक बार फिर से कह रही हूँ कि जाइए और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनली, जिनका सूर्य 12वें घर में होता है उनकी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी होती है, लाइक वेरी गुड इमेजिनेशन। जरूरी नहीं है कि अपनी इमेजिनेशन को हर बार ही दूसरों को बता ही पाए, कई बार नहीं बता पाते, एक्चुअली मोस्टली नहीं बता पाते, बट हाँ, जहां तक इमेजिनेशन का सवाल है, दे आर ग्रेट। अगर इन लोगों का बुध काफी स्ट्रांग हो, सूर्य के साथ ही हो, इन दैट केस ये रिलीजियस राइटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, नहीं तो फैंटेसी राइटर्स, साईफाई राइटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग इमेजिनेशन ज्यादा अच्छी करता है। जैसे मेडिटेशन में अगर इन्हें बिठाया जाए और सन इन द फर्स्ट हाउस को बिठाया जाए, तो सन जो 12th हाउस में है वो व्यक्ति ज्यादा अच्छे से मेडिटेट करेगा, ज्यादा उसको स्ट्रांग एक्सपीरियंसेस होंगे, राइट, मेडिटेशन करते समय। और जो सन इन फर्स्ट हाउस है उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट 12th हाउस वाले के एक्सपीरियंसेस हमेशा स्ट्रांग होंगे क्योंकि उसकी इमेजिनेशन भी ज्यादा स्ट्रांग है। आप आश्रम में हो, आप किसी तरीके से कोई मेडिटेशन कर रहे हो, कोई योगा कर रहे हो, कोई स्पेशल प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे में भी जो सन इन द 12th हाउस है उसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो ज्यादा प्रोफाउंड होंगे, ज्यादा रिच एक्सपीरियंसेस होंगे, राइट? तो उन रिचर एक्सपीरियंसेस को, अगर आपका बुध स्ट्रांग है और दूसरे ग्रह स्ट्रांग है अगर आपके, तो आप राइटिंग में, पेंटिंग में, ड्राइंग में बहुत ही अच्छा कर सकते हो, बिकॉज आप उन्हीं चीजों को इमेजिन करते हो जो इस दुनिया के है ही नहीं, दुनिया के बाहर है। तो साईफाई दुनिया के बाहर की चीज हो गई। मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 3100, 2024 चल रहा है, आप 3024 के बारे में लिख रहे हो कि क्या हो सकता है। यू रेड टाइम मशीन, यू रेड द बुक, रीड इट, इट्स फैंटास्टिकल, आपको बहुत अच्छा लगेगा उस किताब को पढ़ के। साईफाई नॉवेल्स आपको अच्छे लग सकते हैं, हॉरर मूवीज आपको अच्छी लग सकती है, आप लोगों को फैंटेसी जो मूवीज होती हैं जिनमें एक फैंटी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, इस तरह की चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, बिकॉज दे टॉक अबाउट दैट यूनिक फैंटेसी, ऐसी दुनिया जो है नहीं बट इट्स अमेजिंग। तो अगर आप इन फैसिलिटीज को भी, अपने फैकल्टीज को भी अपने अंदर डेवलप कर सको, तो भौतिक रूप से फिर वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसकी जो कुंजी है, जो की है, वो आपके आध्यात्मिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। सो एज आई सेड, आध्यात्मिकली फोकस करो अपने आप पे। सो इज इट अ बैड प्लेसमेंट? नॉट एट ऑल। इज इट अ ट्रिकी एंड चैलेंजिंग प्लेसमेंट? हाँ, अगर ऐसे लोगों को सही रास्ता समय से दिखा दिया जाए, वंडरफुल। बट अगर सही रास्ता ना दिखाया रहा, जिंदगी भर हमसे पूछा ही नहीं, हमसे बताया नहीं, हमसे ये नहीं, हमसे वो नहीं, या फिर मैं तुमसे अलग हूं क्योंकि तुम्हारी आंखें डार्क ब्राउन है और मेरी आंखें लाइट ब्राउन है, यू नो हाउ इट इज, राइट? सो ट्राई एंड मेक दोज चेंजेस इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर कि अच्छे चेंजेस आप लोग कर लोगे, बिकॉज शक्ति पूरी है, शक्ति में कोई कमी नहीं है, यू विल बी एबल टू डू दैट। तो इसी के साथ सन एंड 12th हाउसेस की हमारी सीरीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई हुई हैं, सूर्य की राशियों की सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, वो देख सकते हो, चंद्र राशियों की है, लग्नों की है, अलग अलग प्लैनेट्स के डिस्क्रिप्शंस की बहुत सारी सीरीज है, नक्षत्रों की पूरी सीरीज है, गो एंड वॉच ऑल दैट, एंड आई एम श्योर कि आपके जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको अपने बारे में एग्जैक्टली आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो, स्थूल रूप से तो कम आप लोग समझ जाओगे, 60%
तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। बाकी जो 40% है वो तो एग्जैक्ट जो आपकी कुंडली है वो बताती है, बट 60-70% आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आपको कुंडली देखने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल नो एग्जैक्टली हु यू आर एंड हाउ टू मैनेज योर लाइफ। ऑल राइट, सो वेट कीजिए अगली सीरीज का, और पिछले दो वीडियोज है उन्हें जरूर देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हो सके तो मेंबर भी जरूर बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।